हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इको बिंग में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आपके साथ हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूंगी कि जिन भी स्टूडेंट्स ने सेट वाला जो चैप्टर है वो नहीं अभी तक किया है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेट वाला कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। तो सेट के जितने भी मेरी वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल इको विंग पर जाकर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि लगातार आपके पास इस तरह की वीडियोस आती रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11 का, रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन कंसेप्ट को समझने का जो बेसिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि सेट से ही निकला है। इन मैथमेटिक स्पेशली सेट थ्योरी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोट करता है ए और बी को ऑल ऑर्डर पेयर्स। यहां इम्पोर्टेंट सिर्फ ये ऑर्डर पेयर है, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ऑफ रो एंड अ सेट ऑफ कॉलम, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पैटर्न ऑफ टू सेट, कि किस तरीके के पैटर्न बनने वाले हैं। जैसे वन और टू है, ये मेरे पास कोई सेट है ए, और बी मेरे पास कोई सेट है ए। तो जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, पहले तो हम इसे लिखेंगे इस तरीके से। अगर ए इंटू बी है तो हम वन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वन ए, ये एक ऑर्डर पेयर बना। फिर दूसरा टू ए, इस तरह से। और अगर हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए वन, और ए टू। तो ये डिफरेंस है, राइट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पैटर्न ऑफ टू सेट्स, ये जो हमने यहां पर बनाया। इट फॉलो द फंडामेंटल ऑफ रो एंड कॉलम, कि किस तरीके से हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है ये बताता है। ये डिफरेंट ऑर्डर नंबर ऑफ पेयर्स बताता है सेट के कितने बनने वाले हैं। और अगर यही सेट यहां पर थ्री नंबर्स होते तो इसके अलग एलिमेंट्स बनेंगे, अगर एक है तो उसके अलग बनेंगे। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। यहां ये सिर्फ इतना ही समझना जरूरी है कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पेयर्स ये बनाता है। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, वो तब इक्वल होंगे, दो ऑर्डर पेयर, जब उनके एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। अगर दोनों एलिमेंट सेम होंगे तभी वो इक्वल होंगे, क्योंकि यहां ही फर्क है। देखिए वन ए और ये ए वन, आने वाली वीडियोस में ही आपको पता लग पाएगा कि ये डिफरेंस है, क्योंकि एक डोमेन होता है एक रेंज होता है। यही कंसेप्ट हमें आगे के टॉपिक में डिस्कस करना है, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ऑर्डर पेयर जो है वो डिफरेंट है। अगर उनका फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट एक जैसा है तभी ऑर्डर पेयर इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो ए इंटू बी, दैट इज कोई भी हमने ले लिया यहां पर सेट, यहां पर कोई भी ले लिया, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, पी क्यू। किस तरीके से, कोई एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। पी इज इक्वल टू ए बी सी एंड क्यू इज आर, तो फॉर्म करना है सेट पी इंटू क्यू। तो करते हैं पी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए आर, ये सेम जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया उसी के जैसा है, बी आर सी आर, तो ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बना, क्यू पी आर ए आर बी और आर सी, इस तरह से। तो ये आपका जो ए आर है वो नॉट इक्वल्स है आर ए के। तो इस तरीके से हमने इसका बेसिक कंसेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझा है। इस मेरी वीडियो में समझने के बाद आप एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स हैं 1.1 से पहले उन्हें जरूर कीजिए, उसके बाद हम आगे आर के जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए तभी आपको एक सक्सीड मिलेगी मैथमेटिक्स के अंदर। थैंक यू।